गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मोस्ट वेलकम आप लोगों का गुरुज प्लेटफॉर्म पे, गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म पर हम लोगों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आ जाइए जल्दी से जल्दी। जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है? ओके गाइस, तो कल हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं ना, जिसमें हमने सीखा कि इन्वर्स जो होता है, ये ट्वेल्थ का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक 11th का था, अब हम लोग 12th में इन्वर्स के अबाउट पढ़ेंगे कि इन्वर्स कैसे वर्क करता है इसका फंक्शन। तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, इनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ये मैनी वन फंक्शन होते हैं, इसीलिए इन्वर्स उसी फंक्शन का पॉसिबल है जिसका जो फंक्शन वन वन फंक्शन हो, वन वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। तो हम लोग क्या करते हैं, कल मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था कि जो मैनी वन फंक्शन होता है ना, उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वन वन फंक्शन में। वन वन फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो वन वन में कन्वर्ट करते कैसे हैं, उसके लिए हम लोग सर्टेन लिमिट लगा देते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन के लिए हम लोगों ने लिमिट लगाई थी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस के लिए हमने लिमिट लगाई जीरो से पाई, और टेन के लिए हम लोगों ने लिमिट लगाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सेम जो साइन का है। हाँ जी, कल मेरे पास एक कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का, वो पूछ रहा था कि सर आप ये डोमेन और रेंज इन्वर्स में इंटरचेंज कैसे हो जाते हैं, आप कैसे इसको चेंज कर देते हैं डोमेन और रेंज को? जो प्रांत और परिसर है बच्चों, एक्स जो है वो वाई बन जाता है और वाई जो है वो एक्स बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग दो चार मिनट डिस्कस कर लेते हैं, अगेन रिकॉल करते हैं। और आज हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 जो है ना आपकी बुक की, उसके क्वेश्चंस हम लोग करने लग रहे हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि ये प्रांत और परिसर में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको एक बार वापस ऐसा कुछ बता दूं कि ये जो था साइन थीटा का ग्राफ था, सारे बच्चों को पता है, ये आपका पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, ये माइनस पाई बाई टू होता है, ये माइनस का पाई होता है, ठीक है? तो हमने क्या किया था, अगर देखो फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो एफ आर टू आर होता है, एफ आर टू आर होता है। मीन्स ये फंक्शन है, ये आर क्या है, ये आर एक्स की वैल्यू को बताता है दोस्तों, ये एक्स की वैल्यू को बताता है और ये वाई की वैल्यू को बताता है। और मैं दो दिन से आपको बता रहा हूं कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो प्रांत होती है, डोमेन होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो परिसर होती है, रेंज होती है, क्लियर? तो इसको बोलते हैं दोस्तों डोमेन, डोमेन, और ये जो होता है दोस्तों वो होता है आपका रेंज, या फिर इसको बोलते हैं कोडोमेन, है ना? मींस मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एफ एक्स गोज टू वाई, एफ एक्स गोज टू वाई, मींस इसको पढ़ने का तरीका होता है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू अगर आप डालते हो तो आपके लिए वाई की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है? तो वही चीज होती है। अब एफ आर टू आर, ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये एक्स है और ये वाई है। अब देखो, अगर मैं ये सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं जो कि साइन थीटा है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कल मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो ये एक्स की लाइन है टोटल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक्स की लाइन में तो ये पूरा कर्व पेरियोडिकली इन्फिनिटी जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना? तो एक्स की वैल्यू हम लोग माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट,
ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्तों कि एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। और जो वाई की वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, तो वाई की वैल्यू वर्टिकल लाइन पर आती है, और वाई की वैल्यू जब वर्टिकल लाइन पर आती है तो इसकी वैल्यू तो देगा वन, और यहां तक की वैल्यू देगा नीचे तक, तो यहां तक की वैल्यू देगा जो कि वैल्यू है माइनस वन। मीन्स वाई की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, मीन्स उनके बीच की वैल्यू पॉसिबल है माइनस वन टू वन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो वाई की वैल्यू है वो माइनस वन टू वन है, वो पॉसिबल है माइनस वन टू वन, इनके बीच में हो सकती है, माइनस वन भी हो सकता है बच्चा और वन भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने ये मेन कॉलम यूज किया है। मेन कॉलम मतलब इसके अंदर वन और माइनस वन इंक्लूड होता है। कोई बच्चा पूछेगा सर ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में आपने स्मॉल कॉलम क्यों यूज़ किया, तो इसमें इन्फिनिटी में ध्यान रखना दोस्तों स्मॉल कॉलम ही यूज़ करते हैं, हमेशा इन्फिनिट जहाँ पे देखोगे वहाँ पे स्मॉल कॉलम आपको लगा हुआ दिखेगा। और मेन कॉलम और स्मॉल कॉलम का डिफरेंस भी मैं बता चुका हूँ। मेन कॉलम में क्या होता है, माइनस वन से वन में वन और माइनस वन इंक्लूडेड हैं, और स्मॉल कॉलम में माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू पॉसिबल है, माइनस वन और वन ये नहीं हो सकते। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखो ये तो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन थीटा, ये मैं जो ब्लॉक बनाने जा रहा हूं आपके सामने ये साइन थीटा का कर्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, हम इसको करने जा रहे हैं वन वन फंक्शन, मतलब इसके लिए हम लोग कंडीशन लगाने जा रहे हैं। तो कल ही मैंने आपको बताया कि कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम लोग इन सबको रब कर देंगे। कहां तक रब करेंगे दोस्तों, यहां तक रब कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को रिपीटेशन नहीं करना है, हमको खाली एक नैरो रेंज रखना है, ठीक है। तो नैरो रेंज के लिए हमारे सामने इस टाइप का एक फंक्शन जनरेट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको बनाते हैं। अब मैं बताऊं तो ये वन वन फंक्शन हो गया, मैनी वन से क्या हो गया दोस्तों, वन वन फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें एक्स की एक वैल्यू रखने पर वाई की एक वैल्यू ही पॉसिबल है। चलो फंक्शन, अब देखो ये मैंने बताया ना दोस्तों, ये आर होता है, ये एक्स होता है, और वही तो ये एक्स है। अब हम लोग इसी एक्स को लिखने जा रहे हैं किस में, वन वन फंक्शन में, है ना। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं, यहां पे ये x है, तो x की वैल्यू दोस्तों बताओ कहां से कहां तक पॉसिबल है। x मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और x की हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि x में पॉजिटिव में पाई बाई टू और नेगेटिव में माइनस पाई बाई टू। मतलब अब हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पॉसिबल है। ये देखो मैं मेन कॉलम यूज कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शन जो है उसमें x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पॉसिबल है, ये x की वैल्यू हो गई। और ये जो होता है ये तो सेम ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू तो देखो वन तक पॉसिबल है, और नीचे की साइड आ जाएंगे तो कहां तक पॉसिबल है दोस्तों, माइनस वन तक पॉसिबल है, तो माइनस वन से वन। तो फंक्शन जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में माइनस वन से वन तक पॉसिबल है। हाँ, ये जो मैं सेकंड ब्लॉक दोस्तों जो बनाने जा रहा हूं, ये ब्लॉक आप बता सकते हो किस चीज का है। जी हाँ, बच्चा बता देगा, ये बच्चा बताएगा कि सर जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, ये मेनी वन का ग्राफ है, ये आपने वन वन का ग्राफ बना दिया, और उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो डोमेन है, ठीक है, उसका जो प्रांत है और उसकी जो परिसर है, उनकी वैल्यूज ये है। अब मैं बताता हूं, कल बच्चे ने डाउट क्या पूछा, बच्चे ने ये बोला कि सर आपने लिखाया जो टेबल हमने बनाई थी उसमें इसकी वैल्यू आपने इधर कर दी और इसकी वैल्यू इधर कर दी। हमने कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही तो पढ़ा कि माइनस वन से वन ये होता है प्रांत, और ये वाला जो होता है परिसर, रेंज हो जाता है। कल हमने इनवर्स में ये पढ़ा था रेंज कैसे हो गया था ये। तो जी बिल्कुल, ये तो है नॉर्मल कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री कंडीशनल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इनवर्स
तो इनवर्स में आपको क्या करना होता है, ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर करना होता है, इस वाली वैल्यू को इधर करना होता है। तो अब आपका दोस्तों बनने जा रहा है, मैं बताऊं आपको, माइनस वन से वन बन जाएगा, ये वाला तो इधर आएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कल, इसीलिए मैंने बोला कि x और y जो है वो चेंज हो जाते हैं, डोमेन और रेंज जो है वो इनवर्स के अंदर उल्टा हो जाता है, x y बन जाता है, y x बन जाता है। ये आप देख सकते हो आपके सामने है, ये वाली चीज इधर आ गई, ये वाली चीज इधर आ गई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनवर्स में जो डोमेन है, ठीक है, इनवर्स में जो डोमेन है, ये डोमेन मतलब x जो प्रांत है, x का जो जो इनवर्स का प्रांत है वो क्या है, वो माइनस वन से वन है, ये x की वैल्यू है बिल्कुल। और जो y की वैल्यू है, जो रेंज है, ठीक है, जो परिसर है वो क्या है, वो माइनस वाई पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये है। आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, क्यों कर देते हो, क्योंकि इसके लिए रीजन में आपको बेटा, जब मैं चैप्टर वन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जब चैप्टर वन डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आपके 1.3 में इनवर्स फंक्शन आता है, उसको हम लोग डिटेल से फंक्शन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इंटरचेंज हो जाता है। देखो, जैसे y इक्वल टू मैं लिखता हूं साइन x, तो मैं इसको इधर ले जाने जा रहा हूं, तो दोस्तों ये बनेगा x को मैं ऐसे लिखता हूं, ये साइन आपका उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा दोस्तों साइन इनवर्स y, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं, x लेफ्ट साइड में रह के और साइन जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, साइन इनवर्स y। अब देखो तो बच्चों करते क्या है हम लोग, जो x है ना इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं y से, और y जो है ना उसको इंटरचेंज कर देते हैं x से, मतलब ये आपका बन जाता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आपका जो दोस्तों फंक्शन होता है ना, ये इनवर्स फंक्शन होता है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये y इक्वल टू साइन x है, देखो आप y इक्वल टू साइन x है, ये क्या है, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ये आप चैप्टर वन में पढ़ेंगे कि ये x और y क्यों इंटरचेंज हम लोग कर पा रहे हैं, मतलब x और y को इंटरचेंज करना मतलब वही तो हुआ कि डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देना। तो हमारे पास ये चीज है दोस्तों, ये हमारे पास हो जाता है रेंज, ये हो जाता है हमारे पास रेंज, और ये क्या हो जाता है दोस्तों, डोमेन, रेंज और डोमेन, और डोमेन मतलब x, क्लियरली मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो आपके 12th क्लास में जो चैप्टर है उसके अंदर जो साइन का क्वेश्चन आएगा इनवर्स का, उसमें वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली, माइनस एक से एक के बीच में ही सारे वैल्यूज को गिवन रहेगा। परंतु जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू भी दोस्तों आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही रहने वाली है। कितना इजी चैप्टर है ये दोस्तों, क्यों है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा चैप्टर होता है जिसमें बच्चा जब पेपर में लिखेगा ना तो उसको अपना आंसर पता रहेगा कि हाँ भाई मेरा आंसर जो है ये इसके बीच में आ रहा है, मतलब सही है। आपका आंसर कभी भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर नहीं जा सकता, और एग्जामिनर कभी भी माइनस वन से वन तक की वैल्यू ही दे सकता है, इससे इधर नहीं दे सकता। मैं बोलूं कि साइन इनवर्स टू, साइन इनवर्स चलो माइनस टू, इसकी वैल्यू बताओ, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये x जो है ना वो माइनस वन से वन के बीच में नहीं आ पा रहा है। आपका क्वेश्चन माइनस वन से वन के बीच में बनता हुआ दिखेगा, और आप उसको आंसर जो है ना वो आंसर आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में देते हुए बनोगे। इसमें कोई डाउट है, बताओ दोस्तों, किसी को इसमें डाउट है तो बता दो। हाँ बिल्कुल, आपके जो है ना आंसर आपके माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगा। तो कल हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, मैंने आपको एक रिकॉल करा दिया, एक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि ये कैसे आपका बनता हुआ दिख रहा है, कैसे हम लोगों ने उसको इनवर्स में चेंज किया, कैसे आपने डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया, कैसे आपने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया।
चलो वो क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इनके, जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करने लग जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा वो, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं होता है। हाँ, कल हम लोगों ने तीन फॉर्मूले तो ये पढ़े थे। पहला फॉर्मूला दोस्तों आपके सामने ये था कि साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है। नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव को हम लोग बाहर ले लेते हैं साइन के अंदर, या मैं ऐसा उल्टा भी कह सकता हूँ कि माइनस साइन थीटा जो था वो साइन माइनस थीटा था, है ना। और टेन में भी यही कंडीशन होती है दोस्तों, है ना। टेन के अंदर क्या हो जाता है, टेन के अंदर टेन माइनस थीटा जो होता है वो भी माइनस टेन थीटा हो जाता है। साइन और टेन सिमिलर, एक जैसे। और जो कोस होता है ना, वो कोस में क्या होता है कि कोस माइनस थीटा अगर आ जाए तो आपको बताना होता है कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और इसके अलावा मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें आपको रेंज तो ध्यान रहना ही चाहिए, ये रहा आपके सामने रेंज साइन का, तो है ना। साइन इनवर्स की मैंने अगर आपको रेंज बताई थी, परिसर बोलते हैं वाई, तो वो कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। कॉस की मैं अगर बात करूं तो कितनी, जीरो से पाई। और टेन इनवर्स की बात करें तो सेम, साइन वाला सेम, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। हाँ, एक डाउट और आया था कल, आई थिंक हम लोगों ने गलती से टेन के अंदर ये मेन कॉलम यूज कर लिया था, जिसको नहीं करना है बिल्कुल। साइन और टेन के अंदर बस यही डिफरेंस होता है कि साइन के अंदर आपका मेन कॉलम आता है, मीन्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो है वो आपके मेन कॉलम के अंदर रहते हैं। पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू इंक्लूड रहता है साइन के अंदर, परंतु टेन में क्या होता है, वो स्मॉल कॉलम होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, एक बार मैं और लिखने जा रहा हूं। जो हमारे पास काम की चीजें हैं वही लिखने जा रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1 में जो काम की चीजें हैं। अभी जो मैंने बोला है वो एक बार मैं लिख देता हूं, जिससे बच्चे को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। टेन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स थीटा, ये मैंने बताया था आपको। दूसरा, साइन इनवर्स माइनस थीटा आपको बताया था मैंने, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तीसरा, हाँ बिल्कुल, कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा आ जाता है बच्चों तो आप क्या करोगे इसके लिए, कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ा रहे हो हमको, हमको तो सेक भी जानना है, कॉट भी जानना है, कोसेक भी जानना है, ये सारी चीज़ों को जानना है। तो दोस्तों उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। टेबल आपके 2.1 के पहले दे रखा है, छः उसमें छः फंक्शंस हैं, परंतु हम उन बाकी तीन फंक्शंस का बात नहीं करेंगे, उनको आपको माइंड में नहीं रखना है, हम इन तीन फंक्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये तीन चीज़ें, और दूसरी तीन चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि इनके रेंज ध्यान रखने हैं, रेंज परिसर ये आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका आंसर आपका बनेगा पाई बाई टू से पाई बाई टू। मतलब आपका कभी भी आंसर जब आप देने लगोगे तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर मैं साइन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू आपकी इसके बीच में आनी चाहिए। इससे बाहर अगर आप क्वेश्चन दे रहे हो तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, दूसरा ये बी पार्ट, ये पार्ट, ओके। सेकंड थिंग, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो रेंज है उसकी आप बताने लग रहे हो जीरो से पाई, जीरो से पाई। और जो थर्ड है वो है आपके पास टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू आप बताने लग रहे हो, तो ये मेन कॉलम आपका नहीं रहता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है स्मॉल कॉलम, और जीरो सॉरी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। टेन जो है वो साइन के सिमिलर है, बस कॉलम का डिफरेंट है, डिफरेंस है इसमें। पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके अलावा सब कुछ सिमिलर है। जो आपके बोर्ड पे ये छह चीज़ें लिखी हुई है, अगर इन छह चीज़ों को आपने दिमाग में बैठा लिया है तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। क्लियर, चलो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू बतानी है, है ना। साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू बतानी है दोस्तों,
ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा आपके, आप बुक खोलिए, क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। तो अगर ये है तो आप करोगे माना लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, ये आप करोगे। पहले आप इस जो क्वेश्चन है ना, इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू को आप क्या कर लोगे, y मान लोगे, कंसिडर कर लोगे y। आप कुछ भी मानो, थीटा मानो, y मानो, है ना, ओके okay, x भी मानो, तो ओके okay। अब आप क्या करोगे, ये जो साइन इनवर्स है ना दोस्तों, ये आपके लेफ्ट साइड में है, तो इस लेफ्ट साइड के जो डाटा को, सॉरी अभी राइट साइड में है, इस राइट साइड के डाटा को आप किधर लेके आ जाओगे, लेफ्ट साइड में। तो ये अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आते हो तो ये बनता है साइन। सब बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है, देखो सारे बच्चों को पता है कि ये अगर साइन इनवर्स इधर आएगा ना तो ये साइन बन जाएगा, तो साइन वाई हो जाता है, साइन वाई हो जाता है। और इधर आपका साइन इनवर्स बचेगा नहीं, क्या बचेगा, माइनस वन बाई टू ही तो बचेगा, ओके okay, यहां तक किसी को डाउट है ही नहीं। पहले पूरे क्वेश्चन की वैल्यू को हमने क्या कंसिडर कर लिया, कोई टर्म कंसिडर कर लिया, लेट सपोज वाई, वाई मान लिया हमने। फिर उसके बाद जो राइट साइड की जो टिक्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो है, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आप लेके आ जाते हो लेफ्ट साइड में, तो ये इधर हो जाता है, तो ये फॉर्मल टिक्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है और ये माइनस वन बाई टू हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, साइन वाई ओके, ये माइनस जो है ना दोस्तों, इसको भूल जाओ एक बार, इस माइनस को आप ऐसे का ऐसे लिख दो, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा। हाँ, अब ये जो 1 बाई टू है ना, इसकी वैल्यू आपको सोचनी है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही, जो कि टेंथ की टेबल होती है, टेंथ क्लास में जो टेबल आई थी वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको आपके लिए डिस्कस भी किया था, मैंने बताया था कि बच्चे इनको रिकॉल कर लें। तो 1 बाई टू 30 डिग्री होता है साइन में, साइन में 30 डिग्री, आपको पाई के फॉर्म में लिखना है, तो पाई के फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक बार और बताऊं तो 30 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 6 होता है। कैसे होता है, 180 बाई 6, मतलब 30 आ जाता है, पाई बाई 6 होता है दोस्तों, क्लियर। तो हम लोग इस 1 बाई 2 को लिख देते हैं साइन पाई बाई 6, यही तो होता है 1 बाई 2 साइन पाई बाई 6, ओके। अब मैंने एक चीज आपको और बताई दोस्तों, कि जो साइन के अंदर नेगेटिव होता है ना, वो नेगेटिव अंदर चला जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा, ओके। तो आपने यहां से साइन वाई इक्वल टू लिखा साइन माइनस पाई बाई 6, ये माइनस आपका अंदर चला गया, तो ये हो गया साइन, और ये माइनस अंदर गया तो साइन माइनस पाई, माइनस पाई बाई 6, ओके। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमने दोनों जगह सेम टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को बना दिया है। यहां पे भी साइन है, इधर भी साइन है, और हमको पता ही है जब दोनों साइड सेम होते हैं तो काट देते हैं हम लोग, तो कैंसिल कर देते हैं, तो इसको हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। साइन से साइन जाएगा, अब ऐसे मत करने लग जाना कि इसको काट देना, ठीक है, इसको काटना नहीं होता है, सीधा आप इसको ऐसे लिख देना आंसर के, वाई जो होगा वो होगा माइनस पाई बाई 6, ये आपका आंसर है, माइनस पाई बाई 6। अब ये जो आंसर है, इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा आंसर सही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि साइन की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से कहां तक होती है, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर सीधा दिमाग लगाएं तो ये माइनस 90 और ये प्लस 90, मतलब साइन की वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 होती है। ये देखना जरा, ये कितना आ रहा है, पाई बाई 6, 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। मैं पूछूं आपसे, माइनस 30 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में होता है क्या, बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर होता है, मतलब ये आपका आंसर सही है। और एग्जामिनर को दिखाने के लिए आप बस इसको ऐसा लिख दोगे कि y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, जहां y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू, ये आप आंसर लिखोगे और उसके आगे ये आप बना के लिख दोगे, बिल्कुल ठीक है बच्चा। एक बार आप इसको देखिए, हो सके तो आप प्रैक्टिस कीजिए साथ में, नोट डाउन कर सकते हैं आप, एक दो मिनट टाइम लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं।
नो डाउट दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये है आपका, एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या होता है, माना लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री। आपने इसको कंसिडर कर लिया कि जो ये ओवरऑल वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल आ गई, y के इक्वल आ गई, ये आपने मान लिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप आप बताओगे। पहला स्टेप आपने कंसिडर किया कि इसकी वैल्यू y है, सेकेंड स्टेप आप बताइए। तो आप बोलोगे सर ये जो कॉट इनवर्स है ना, इसको इधर भेज देते हैं। तो कॉट इधर भेज दिया हमने, तो ये बन गया कॉट इनवर्स, इधर आएगा तो क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है, ये इधर आ जाता है कॉट वाई, और कॉट वाई की वैल्यू बन जाती है दोस्तों माइनस का वन बाई रूट थ्री। कॉट वाई की वैल्यू बन जाती है माइनस वन बाई रूट थ्री। इसमें किसी को डाउट? ओके, माइनस वन बाई रूट थ्री। अब देखना बच्चा, सर से बच्चा पूछेगा कि सर ये तो कॉट आ गया, ये तो कॉट आ गया, और हमने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को शॉर्ट में रखने के लिए, ज़्यादा डाटा को यूज नहीं करने के लिए, हमने सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी, साइन, कॉस और टेन। सर आपने तो हमको कॉट पढ़ाया ही नहीं, कॉट नहीं पढ़ाया, सेक नहीं पढ़ाया, कोसेक नहीं पढ़ाया, तो इस कॉट को क्या करें? तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। आपको ये चीज़ पता होगी ना कि साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, इसके नीचे क्या आता है, कॉट आता है, इसके नीचे कॉसेक, इसके नीचे सेक, इसके नीचे कॉसेक। तो आप देख सकते हो ना दोस्तों कौन किसका अपोजिट है, उल्टा कौन है। तो टेन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कॉसेक है। आप बताइए मेरे को दोस्तों, ये टेंथ में हमने पढ़ा था, टेंथ में पढ़ा है दोस्तों। ओके, तो कॉट का उल्टा, कॉट का अपोजिट क्या होता है, आप बताओगे सर कॉट का अपोजिट टेन होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, टेन वाई लिख सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉट वाई जो है वो टेन वाई में कंप्लीट हो गया, तो ये भी तो उल्टा होएगा। अगर आप कॉट को टेन लिखोगे, कॉट का जस्ट उल्टा लिखोगे, आप कॉट का जस्ट उल्टा लिखोगे तो वैल्यू भी तो उल्टी होएगी ना, वैल्यू उल्टी होएगी, मतलब वन बाई रूट थ्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट थ्री में। तो वन बाई रूट थ्री रूट थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो टेन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अब देखना बच्चा, टेन वाई इसको मैं सेम लिखता हूं, टेन वाई को सेम लिखता हूं, माइनस को भी मैं सेम लिखता हूं। ओके, टेबल देखिए और मुझे बताइए कि रूट थ्री की वैल्यू टेन में क्या होती है। बताइए दोस्तों कि रूट थ्री की वैल्यू टेन में क्या होती है। तो रूट थ्री आप जानते हैं कि टेन के अंदर 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को लिखने का तरीका पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री 180 बटा 3 60 आता है। तो हम लोग इसको माइनस करके और इसको लिख देंगे टेन पाई बाई थ्री, लिख दिया इसको टेन पाई बाई थ्री, इसमें किसी को डाउट है नहीं। तो 10 पाई बाई थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, 10 वाई। मैंने बताया ना आपको, अगर माइनस आता है साइन के अंदर और किसके अंदर, साइन के अंदर और 10 के अंदर, साइन और 10 के अंदर अगर माइनस आते हैं तो वो माइनस कहां चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाएगा ये माइनस, तो क्या बना देगा 10, अंदर जाएगा माइनस का पाई बाई थ्री बना देगा, माइनस का पाई बाई थ्री बना देगा। ओके, आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह क्या है, सेम फंक्शन है 10 10, तो ये हट जाएगा और आपकी वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने माइनस पाई बाई थ्री। माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। और लास्ट में आप लिख देंगे वेयर, जहां y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई बाई टू से
पाई बाई टू। आप 10 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 की रेंज, 10 की रेंज हमने पढ़ी कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, स्मॉल कॉलम, नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना आपके। आधा एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आपने कॉलम यूज सही से नहीं किया तो आधा नंबर आपका ऐसे ही गया। तो स्मॉल कॉलम आप यूज करके माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब देखिए आप, ये तो 60 होता है ना, पाई बाई थ्री क्या होता है 60, तो माइनस 60, माइनस 60 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है क्या? बच्चा बोलेगा बिल्कुल आता है, मतलब ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, और पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी इसी बेसिस पर है, कुछ भी नया नहीं है। कुछ भी नया नहीं है, बस आपका एक ही काम रहना चाहिए कि आप जो है उसको रेंज में लेके आ जाएं। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका आंसर इस रेंज से बाहर आ रहा होता है, तो आपको लग जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। उसको उस रेंज में लेके आइए, किसी भी तरीके से उस रेंज में लेके आएंगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन आपने किया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। एक बच्चा बोल रहा है सर नोट्स बनवाइए, थ्योरी कैसे लिखाएंगे? तो दोस्त बिल्कुल थ्योरी लिखेंगे हम, इंग्लिश हिंदी बोथ मीडियम्स में लिखेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच भी करने वाले हैं, ये डेमोज हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो नोट्स वाइज भी लिखेंगे सब चीज़ें। इसमें तो मेनली कंसेप्ट ही है, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स रूट 3/2, इसकी वैल्यू बताइए दोस्तों, इसको आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए क्या ये सही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, काफी आसान सा सवाल है। माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2, आपने इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसको आपने y कंसिडर कर लिया। जब y कंसिडर किया तो कॉस जो है ये राइट साइड वाला इनवर्स वाला जो कॉस है उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो ये बन जाता है कॉस y, कॉस y बराबर रूट 3/2, कॉस वाई इक्वल टू रूट 3/2। तो अब यहां से क्या करने वाले हो दोस्तों, कॉस वाई इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है, ये जो राइट साइड में इसकी जो वैल्यू है रूट 3/2, इसकी वैल्यू आप कंसिडर करोगे, आप इसकी वैल्यू को टेबल के थ्रू आप वैल्यू को पुट करोगे, तो रूट 3/2 टेबल में कॉस में रूट 3/2। बताइए आप क्या होता है, 30 डिग्री है ना, बिल्कुल 30 डिग्री, मतलब अभी बताया मैंने पाई बाई 6, तो ये आपका बन जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स बन जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों साइड जो है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हटा दीजिए और आपका आंसर बनने जा रहा है वाई इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, और y इक्वल टू पाई बाई 6, वेयर
y belongs to आप क्या लिखोगे दोस्तों, 0 से पाई। समझ में आया क्या? 0 से पाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन कोस का है, और कोस की रेंज क्या होती है? कोस की रेंज 0 से पाई होती है। और इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये 0 से 180 है, ये है आपका हाँ बिल्कुल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जो है वो 0 से 180 के बीच में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि आपकी प्रैक्टिस बन रही है, आप स्पीड बनाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप ओरल भी बताने लग जाएंगे। ये एक नंबर का आपका बोर्ड में क्वेश्चन बनता है और आपका एक नंबर कंप्लीट होता है, ये इतना ही करना है, एक नंबर आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, कोसेक इनवर्स 2, ये आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन फोर है टेन इनवर्स 1। ठीक है, लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 आपका क्वेश्चन नंबर 4 बुक में। और क्वेश्चन 5 जो है वो है टेन इनवर्स 1 का, माइनस 1 है ना। ओके करिए दोस्तों, ये आपके बुक के ही मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने लग रहा हूं, एक्सरसाइज 2.1 के ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पर आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जब मैंने आपको रेंज और डोमेन का इंटरचेंज बताया कि वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। हमने दो क्लास इसलिए वेस्ट की है क्योंकि हमने ये सीखा है कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू आता कहाँ से है, उसकी रेंज आती कहाँ से है। बच्चा पूछ लेता है कि टेबल तो आपने बनवा दी सर, रटवाना थोड़ी है। तो हमने उसके कंसेप्ट को सीखा कि हमने कंडीशन लगाई और उस रेंज को नेरो कर दिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और हम इनवर्स निकालने लग गए। और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, ये काफी आसान से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। कोई फॉर्मूला आपके याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के डिस्कस किए हैं, ये 3 मैंने और लिखे हैं, इसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी ही। एक बार आप ट्राई कीजिए। हाँ आ जाते हैं इसके ऊपर। पहला स्टेप बताइए दोस्तों, पहला स्टेप इसको y कंसिडर करना है, cosec inverse 2, y थीटा x कुछ भी मानिए, y इक्वल टू cosec inverse 2 मान लिया आपने। सेकंड स्टेप बताइए दोस्तों, सेकंड स्टेप ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? cosec y बन जाएगा, और cosec y क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है ये आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी, तो cosec y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं cosec y। बच्चा बोलेगा सर आपने cosec y हमको नहीं पढ़ाया है, cosec y नहीं पढ़ाया है, क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि sin, cos और tan ये तो आपको पढ़ा हुआ है, तो cosec को आप किस में चेंज कर देंगे? आप इसको चेंज कर देंगे, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का, मैंने अभी आपको बताया था। तो cosec का रेसिप्रोकल sin y, अगर इसको आप व्युत्क्रम कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये संख्या भी रेसिप्रोकल होगी। ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल होके आपका 1/2 बन जाएगा। अब तो ये बहुत ही आसान सवाल बन गया, ये बना साइन वाई, ये बन गया 1/2। 1/2 की वैल्यू टेबल में बताइए क्या होती है? साइन 30 होता है, साइन 30 होता है मतलब साइन पाई बाई 6 होता है। साइन और साइन जो है सेम है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और आपका जो आंसर बन रहा है वो y इक्वल टू पाई बाई 6 बन रहा है, y इक्वल टू पाई बाई 6 बन रहा है। नीचे दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को,
y इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ठीक है। जहां पे y जो है वो कहां बिलोंग्स टू क्या करता है, साइन का क्वेश्चन है, तो आप इस आपको इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसके लिखने के नंबर मिलते हैं। तो y बिलोंग्स टू पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसके बीच में ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपने साइन को याद रखते हुए कॉसेक का भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेप वाई, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसको आपने मान लिया, टेन को इधर भेज दिया तो आपका बन गया टेन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स इधर चला गया राइट लेफ्ट साइड में, तो टेन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अब देखिए टेन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री है, मैंने बताया माइनस को छेड़ना नहीं है, वैसे का वैसे रखना है, और रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू जो है दोस्तों वो होती है रूट थ्री पाई बाई थ्री, रूट थ्री टेन साठ, टेन साठ, टेन साठ डिग्री, टेन पाई बाई थ्री, ओके। तो टेन वाई इक्वल टू माइनस कहाँ जाता है दोस्तों, माइनस जो है अंदर चला जाता है, तो टेन बन जाता है माइनस का पाई बाई थ्री, टेन माइनस अंदर जाएगा तो आप देख सकते हो टेन माइनस पाई बाई थ्री हो जाता है। देखिए आप टेन और टेन सेम फंक्शन बन गया, सेम फंक्शन बन गया, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाता है और आपकी वैल्यू वाई इक्वल टू हो जाता है माइनस का पाई बाई थ्री, माइनस का पाई बाई थ्री। और आप बताएंगे जहां पे वाई जो है वो बिलोंग्स करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, किस में, स्मॉल कॉलम में, स्मॉल कॉलम में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो यहां पे भी पहला स्टेप y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इधर आ जाएगा, टेन y इक्वल टू माइनस वन, टेन y इक्वल टू माइनस वन को आप क्या लिखने जा रहे हैं दोस्तों, तो माइनस वन को क्या लिखेंगे आप, ये क्या होता है वन, वन होता है आपका टेन पैंतालीस, और पैंतालीस को क्या लिखते हैं पाई बाई फोर, तो वन, वन टेन पैंतालीस डिग्री होता है, टेन पैंतालीस मतलब टेन पाई बाई फोर, तो टेन वाई इक्वल टू ये माइनस जो है दोस्तों, ये माइनस अंदर चला जाता है तो टेन बन जाता है ये माइनस अंदर जाके माइनस का पाई बाई फोर, माइनस अंदर जाके माइनस पाई बाई फोर। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों दोनों साइड टेन टेन सेम फंक्शन है, तो आपके पास वाई का जो आंसर है वो माइनस पाई बाई फोर बन जाता है। क्या ये माइनस पाई बाई फोर वाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है, क्योंकि माइनस पाई बाई फोर मतलब माइनस पैंतालीस डिग्री, और जो कि माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि 2.1 के जितने क्वेश्चंस हैं आप अपनी तरीके से, आप अपनी तरफ से सॉल्व करिए उसको, बाकी कल भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आगे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपसे हाँ ये एक अनुरोध करता हूँ कि आप हमने बताया आपको कि गुरुज आश्रम आप देख सकते हैं, गुरुज आश्रम करके हमारा एक एप्लीकेशन है, उस पे जाइए डाउनलोड कीजिए, हमारे क्लासेस को देखिए। अभी ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी वहाँ पे एप्लीकेशन पे, उस पे सर्च कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, आपको हमारा समझ में आ रहा है तो हम साल भर ऐसे ही कंटिन्यू चलने वाले हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टाटा।